हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी हेल्प एंड हेल्थ में आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो वो देखो क्या है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसको क्या बोलते हैं अपने शॉर्ट फॉर्म में MCH। MCH को फुल फॉर्म पूछे तो क्या है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ क्या है कि मदर और चाइल्ड की हेल्थ को क्या है इंप्रूव करना है। तो वो कैसे करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, तो वो देखो इसको डिफाइन करते हैं। तो देखो प्रोवाइडिंग प्रमोटिव प्रिवेंटिव क्यूरेटिव एंड रिहैबिलिटेटिव हेल्थ केयर टू मदर एंड चाइल्ड। तो देखो कि मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ तो वो क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं उसको प्रोवाइड करते हैं प्रमोट, उसको मतलब प्रमोटिंग और प्रिवेंटिव, कोई इलनेस या डिजीज क्रिएट हो उसको क्या प्रिवेंट करेंगे और उसको क्योर करेंगे, और उसके रिहेबिलिटेशन मतलब पहले वाली हेल्थ में उसको लेके आएंगे। तो उसी को क्या बोलते हैं मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ उसको बोलते हैं। तो एक बार दोबारा देखो कि जो मदर और चाइल्ड की जो हेल्थ है उसको क्या करना है, प्रमोट करना है और उसको प्रिवेंट करना है कोई भी उसको दिक्कत आ रही है तो, और उसको क्या करना है क्योर करना है मतलब पहले वाली स्टेज में उसको लेके आना है। रिहेबिलिटेशन केयर टू द मदर एंड चाइल्ड मतलब उसको पहले वाली हेल्थ स्टेज में उसको लेके आना है। तो उसको क्या बोलते हैं मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। और इसका एम क्या होता है वो देखो, एम एम इसका है कि रिड्यूस रिड्यूस IMR एंड MMR, मतलब इसकी जो एम होता है मतलब उद्देश्य है कि रिड्यूस करना है किसको, IMR और MMR। इसमें क्या होता है IMR की फुल फॉर्म होती है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और MMR की होती है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो ये IMR है वो किस पे बेस्ड होता है, बेस्ड 1000 लाइव बर्थ, किस पे बेस्ड होगा 1000 लाइव बर्थ, मतलब ये कहना चाह रहा है कि 1000 लाइव बर्थ होते हैं उस कंडीशन में इन्फेंट की कितनी डेथ होती है, मतलब मोर्टेलिटी का मीन्स डेथ रेट। तो इन्फेंट की 1000 लाइव बर्थ पे कितनी डेथ होती है इसको क्या बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और मदर के लिए अपने क्या बोलेंगे ये किस पे बेस्ड होगी, बेस्ड 1 लाख लाइव बर्थ, कि 1 लाख लाइव बर्थ पे मदर की जो कितनी डेथ होती है उसको क्या बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो और ये क्वेश्चन दोनों इंपॉर्टेंट है बच्चों ध्यान रखना कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो बेस्ड होता है 1000 लाइव बर्थ पे, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कई बार आया हुआ है पहले एग्जाम में तो ध्यान रखना आप। और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है जो क्या है बेस्ड होती है 1 लाख लाइव बर्थ पे, मतलब 1 लाख लाइव बर्थ होंगे तो उसमें मैटरनल की जो डेथ होगी वो उसको क्या बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद में अगर कोई पूछे इसके अंदर मोस्ट कॉमन, अगर मोस्ट कॉमन हेल्थ इंडिकेटर पूछे, हेल्थ इंडिकेटर, तो वो कौन सा होगा IMR। ये IMR क्या है मोस्ट कॉमन हेल्थ इंडिकेटर है, मोस्ट कॉमन अगर पूछे तो IMR क्या है मोस्ट हेल्थ इंडिकेटर इन कम्युनिटी के अंदर। तो आप ये भी क्वेश्चन मार्क कर लेना बच्चों कि मोस्ट कॉमन हेल्थ इंडिकेटर पूछे कम्युनिटी के अंदर तो आपने कौन सा बताना है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये किस पे बेस्ड होता है 1000 लाइव बर्थ पे, मतलब 1000 लाइव बर्थ होंगे तो उसमें डेथ रेट होगी इन्फेंट की तो उसको बोलेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और ऐसे ही अपने मदर के लिए बोलेंगे कि 1000 लाइव बर्थ पे जो मदर की जो डेथ होगी उसको क्या बोलेंगे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। और उसके बाद अपने बात करते हैं कि इसके अंदर ANC और इंट्रानेटल और PNC मतलब पोस्टनेटल, तो ये इसके केयर के बारे में अपने नेक्स्ट देखते हैं। सबसे पहले अपने फर्स्ट बात करते हैं ANC, फर्स्ट ANC जिसको क्या बोल सकते हैं अपने
एंटीनेटल केयर, एंटीनेटल का रोग क्या बोलते हैं? एएनसी। तो इसमें देखो आइडियली जो एएनसी विजिट होती है वो कितनी होती है, जो आइडियली एएनसी विजिट होती है मतलब मदर जो विजिट करती है तो उसको एएनसी एंटीनेटल केयर बोलते हैं, तो वो कितनी विजिट होती है आइडियली 12 से 15 विजिट, आइडियली कितनी एएनसी विजिट होगी 12 से 15, तो उसका टाइम देख लो वो कैसे कैसे होती है टाइम। तो फास्ट 28 वीक्स, जो फास्ट 28 वीक्स होंगे तो उसके अंदर कौन सी होगी, वन विजिट होगी, वन विजिट एवरी 4 वीक वीकली या 4 वीक्स पे, मतलब 4 वीक होंगे तो उस कंडीशन में वन विजिट होगी तो उसको बोलेंगे फर्स्ट 28 वीक के अंदर वन विजिट होगी एवरी 4 वीक के अंदर। उसके बाद में सेकंड है 29 टू 36 वीक्स, 29 टू 36 वीक, तो इसमें क्या होगी वन विजिट होगी, वन विजिट एवरी 2 वीकली, मतलब 2 वीक पे एक विजिट होगी, मतलब कब से 29 टू 36 वीक पे। तो उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड, उसके बाद में है आफ्टर 36 वीक्स, आफ्टर 36 वीक क्या होगी वन विजिट होगी वीकली। तो देखो कि इसमें जो आफ्टर 36 वीक होंगे तो उसके बाद में वन विजिट होगी वीकली, मतलब एक सप्ताह के अंदर एक विजिट होगी। तो एक बार दोबारा देखो कि जो एएनसी के अंदर आइडियली एएनसी विजिट पूछे एग्जामिनर, तो आपने बताना है 12 से 15 विजिट, और उसके अंदर जो टाइमिंग होता है फर्स्ट 28 वीक होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा वन विजिट होगा एवरी 4 वीकली, तो मतलब 4 वीक होगी तो उसमें एक विजिट होगी। उसके बाद में सेकंड अपने बात करते हैं 29 टू 36 वीक, 29 36 पे पढ़े क्या होगी वन विजिट होगी एवरी 2 वीकली, मतलब 2 सप्ताह के अंदर एक विजिट होगी। और उसके बाद में नेक्स्ट है आफ्टर 36 वीक वन विजिट होगी वीकली, क्योंकि उसके अंदर लास्ट ट्राइमेस्टर होगा तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है तो वो उसमें वन विजिट होती है एवरी वीकली। तो उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO, उसके बाद अपने नेक्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू WHO। मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग कितनी विजिट होती है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगी मिनिमम 8 विजिट होगी, कितनी होगी मिनिमम है एज 8 विजिट, मतलब 8 विजिट होगी। तो वो देखो कैसे कैसे होती है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर कितनी होगी वन विजिट होगी, वन विजिट, और उसके बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर क्या होगी टू विजिट होगी, और उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर कितनी होगी 5 विजिट, तो इसके अंदर कितनी होगी टोटल कितनी होगी 8 विजिट, किसके अकॉर्डिंग WHO के अकॉर्डिंग। तो एक बार दोबारा देखो कि अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जो एएनसी विजिट होती है वो मिनिमम कितनी होती है 8 विजिट होती है, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर 1 विजिट होगी, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर 2 विजिट होगी, और उसके बाद में जो थर्ड ट्राइमेस्टर उसके अंदर क्या 5 विजिट होगी, और इसलिए टोटल होगी कितनी 8 विजिट। तो WHO अकॉर्डिंग मिनिमम कितनी होगी 8 विजिट। तो आप इसने याद रखो कि ये ट्राइमेस्टर है उसका मीन्स क्या होता है, ट्राइमेस्टर का मीन्स होता है कि प्रेग्नेंट कंसेप्शन टू प्रेगनेंसी, तो उसके बाद में जो फर्स्ट 3 मंथ होते हैं उसको बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसके बाद में जो सेकंड 3 मंथ होगी उसको सेकंड ट्राइमेस्टर बोलेंगे, और उसके बाद में लास्ट जो 3 मंथ होगी उसको क्या बोलेंगे थर्ड ट्राइमेस्टर। उसके बाद में बात करते हैं अपने नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो विजिट होती है वो कितनी होती है, तो वो देखो मिनिमम कितनी होगी, 4 विजिट होगी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग कितनी विजिट होती है, मिनिमम एनसी 4 विजिट होती है। तो फर्स्ट इसके अंदर देखो जो फर्स्ट विजिट होगी वो कब होगी, जिसको क्या बोलेंगे अपने, रजिस्ट्रेशन, या इसको बोलते हैं बुकिंग विजिट। क्या बोलते हैं इसको, रजिस्ट्रेशन या बुकिंग विजिट बोलेंगे। और ये कब होनी चाहिए, एट द रेट एट से 12 वीक्स, या इसको कह सकते हैं अपने विद इन 12 वीक्स, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर अपने जो अपने करते हैं स्टार्टिंग फर्स्ट विजिट, तो उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन या बुकिंग विजिट। और ये कब, इसका टाइमिंग कब होना चाहिए, 8 से 12 वीक या विद इन 12 वीक्स। उसके बाद में नेक्स्ट अपने सेकंड विजिट, सेकंड विजिट अपने कब करते हैं, तो वो करते हैं अपने 24 to 26 वीक पे। तो 24 to 26 वीक पे क्या अपने क्या सेकंड विजिट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड विजिट, तो वो थर्ड विजिट कब करते हैं, 32 वीक्स पे। 32 वीक्स पे अपने कब करते हैं थर्ड विजिट। और उसके बाद में नेक्स्ट है फोर विजिट, फोर विजिट कब करते हैं अपने, 36 to 38 वीक्स पे। जो फोर्थ विजिट है अपने कब करते हैं, 36 to 38 वीक्स पे। तो एक बार दोबारा देखो, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग क्या है, मिनिमम कितनी होती है, 4 विजिट होती है। तो फर्स्ट जो विजिट होती है उसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन या बुकिंग विजिट, तो वो कब होती है, एट द रेट मतलब जैसे को बताना होता है, तो उसमें 8 से 12 वीक पे या विद इन 12 वीक्स पे, मतलब रजिस्टर या बुकिंग करवानी होती है, उसमें पता चल जाता है कि इस कम्युनिटी ग्रुप के अंदर या कम्युनिटी के अंदर या पीएससी के अंदर में जो प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें रजिस्टर करवाया है, तो उसका पता चल जाता है कि इसके कम्युनिटी के अंदर प्रेग्नेंट ये लेडी, इतनी लेडीज है, मतलब इतनी नंबर ऑफ इसकी संख्या है, कितनी लेडीज कम्युनिटी के अंदर है प्रेग्नेंट है फिलहाल। तो उसके बाद में सेकेंड विजिट है 24 to 26 वीक पे। और उसके बाद में नेक्स्ट थर्ड विजिट है 32 वीक्स पे। और नेक्स्ट जो फोर्थ विजिट होती है वो क्या होती है, 36 to 38 वीक्स पे। तो ये अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं INC, नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड INC, जिसको बोलते हैं अपने इंट्रानेटल केयर। इंट्रानेटल का केयर का मीन्स होता है कि अपने केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, कि अपने जो बेबी जो डिलीवर होता है उस कंडीशन को बोलते हैं इंट्रानेटल केयर। तो उस कंडीशन अपने जो केयर करते हैं उसको बोलते हैं INC, जिसको बोलते हैं इंट्रानेटल केयर, मतलब जो बेबी डिलीवर होता है उस कंडीशन में अपने क्या करना है, उसको केयर प्रोवाइड करना है। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट है वो आप बच्चों ध्यान रखना, क्वेश्चन हमारा कर लेना, रूमिंग इन। तो इसका मीन्स होता है कि जब बेबी डिलीवर हो जाए तो डिलीवर होने के बाद में क्या है, नियर मतलब मदर के एट क्लोज आफ्टर डिलीवरी, मतलब डिलीवरी होने के बाद में जो बेबी को क्या है कि उसके नियर मतलब उसको क्लोज रखना है, तो उसी को क्या बोलेंगे, रूमिंग इन। तो देखो एक बार है, इसकी डिफाइन करते, कीपिंग बेबी क्रिब एट क्लोज टू मदर बेड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, तो उसको क्या बोलते हैं अपने, कॉल्ड रूमिंग इन। तो एक बार देखो कि रूमिंग इन का मीन्स होता है कीपिंग बेबी क्रिब, क्रिब का मीन्स होता है पालना,
तो देखो कि बेबी को क्रिप या मतलब रखना है कहां पे, पाल्पा पे, जो कहां रखना है क्लोज टू मदर, कि मदर के बिल्कुल क्लोज रखना है बेड इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, मतलब बेड के जो नियर है उसको पालने को अपने या क्लोज रखना है बेबी को तो आफ्टर डिलीवरी, तो उसी को क्या बोलते हैं अपने रूमिंग इन। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर आया तो इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन मार्क कर लेना, नेक्स्ट हाफ टाइम में इसको ध्यान में रखे चलना। तो इंटरनेटल के अंदर आप केयर ड्यूरिंग करते हैं चाइल्ड बर्थ के अंदर, और ये रूमिंग इन है जब बेबी डिलीवर होता है उसके बाद में क्या है मदर का जो बेड है उसके नियर अपने उसको रखते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं अपने रूमिंग इन। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करते हैं पीएन, उसके बाद में नेक्स्ट अपने थर्ड बात करते हैं पीएनसी, जिसको अपने क्या बोलते हैं पोस्ट नेटल केयर। पोस्ट नेटल केयर कौन सी होती है, केयर आफ्टर डिलीवरी न्यू बोर्न एंड मदर, उसको क्या बोलेंगे अपने पोस्ट नेटल केयर, केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड आफ्टर डिलीवरी, तो उसको क्या बोलेंगे अपने पोस्ट नेटल केयर, कि अपने केयर प्रोवाइड करना है मदर और चाइल्ड को आफ्टर डिलीवरी के बाद में, तो उसी को क्या बोलेंगे अपने पोस्ट नेटल केयर। और उसके बाद में जो इसका टाइम होता है पीएनसी का वो कितना होता है, तो देखो 6 वीक्स या अपने इसको कह सकते हैं 42 डेज या अपने कह सकते हैं इसको डेड मंथ। तो कोई भी आज एग्जाम में तो आपको राइट आंसर करना है कि 6 वीक 42 डेज और डेड मंथ, और जो ये जो टाइम होता है उसको बोलते हैं अपने प्यूरपेरियम पीरियड। तो देखो एक बार जो इसके अंदर अपने पीएनसी के अंदर जो विजिट होती है वो कितनी होती है, तो इसके अंदर क्या होती है 4 विजिट, कितनी विजिट होती है 4 विजिट, और वो कब कब होती है, तो सबसे पहले अपने इसके अंदर है 0, 3 और 7 और 42 डेज, मतलब पहले 0 तो इसके अंदर कैसे बोलेंगे अपने विद इन 24 वर्स, जो 0 डे होगा उसको बोलेंगे अपने विद इन 24 वर्स के अंदर उसको केयर मतलब यहां विजिट करनी है। तो उसके बाद में 3 तीसरे दिन, उसके बाद में 7वें दिन और उसके बाद में 42 डेज, मतलब 42वें दिन उसके अपने विजिट करते हैं। तो ये कितनी टोटल पीएनसी के अंदर भी विजिट कितनी करते हैं 4 विजिट, और अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर कितनी भी है 4 विजिट। तो पीएनसी और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो विजिट है वो 4 होती है, और 4 विजिट जो ऐसे पीएनसी के अंदर होती है वो 0 डे पे 3, 7 और 42 डेज होती है। उसके बाद में अपने एक नेक्स्ट मैंने बताया था ट्राइमेस्टर के बारे में, तो वो एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। ट्राइमेस्टर का मैंने बताया था, तो उसमें जो फर्स्ट होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, तो वो देखो कब कैसे होता है, कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है कंसेप्शन टू 12 वीक्स, कि कंसेप्ट प्रेगनेंसी कंसेप्ट होने के बाद में क्या है जो 12 वीक होती है उसको बोलते हैं अपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर। उसके बाद में है सेकंड ट्राइमेस्टर किसको बोलेंगे 13 वीक्स टू 27 वीक्स, मतलब 13 वीक से 27 वीक जो होगा उसका टाइम उसको बोलेंगे अपने सेकंड ट्राइमेस्टर। उसके बाद में है नेक्स्ट थर्ड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर का मीन्स हो गया कि 28 टू 40 वीक्स, तो उसको क्या बोलेंगे अपने थर्ड ट्राइमेस्टर। तो ये 3 मंथ के जो है अपने कंप्लीट होते हैं 9 मंथ, तो ये क्या होते हैं ट्राइमेस्टर होते हैं। तो अगर कोई पूछे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो वेट होता है वो कितना होता है, तो वेट होगा 1 kg इंक्रीज होगा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर प्रेगनेंसी के अंदर जो वेट गेन होता है वो 1
किलोग्राम या 1 kg इंक्रीज होता है। उसके बाद में सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो वेट होगा वो कितना होगा इंक्रीज, 5 kg या 5 kg। उसके बाद में नेक्स्ट है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर जो वेट होगा वो भी कितना इंक्रीज होगा, 5 kg। तो टोटल प्रेगनेंसी के अंदर कितना वेट इंक्रीज होता है, 11 kg, मतलब 11 kg। ये किसके अकॉर्डिंग मानते हैं अपने, अकॉर्डिंग टू WHO एंड यूनिसेफ, अकॉर्डिंग टू WHO एंड यूनिसेफ के अकॉर्डिंग कितना वेट इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी के अंदर, 11 kg या 11 kg। तो मेटल एंड हेल्थ जो टॉपिक अपना कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसे बेहतरीन वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स डियर।